हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अगले मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोराइनम। सोराइनम एक नोसोड है। सोराइनम एक नोसोड है। इसके कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि सोराइनम का जो पेशेंट होता है उसको फियर ऑफ पावर्टी रहती है। फियर ऑफ पावर्टी, इसको इस बात का डर रहता है कि कहीं वो गरीब ना हो जाए, कहीं वो गरीब ना हो जाए। और ये जो है फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा जो है एंशियस रहता है। ठीक है, ये एंशियस रहता है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा जो है एंशियस रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है और उसको जो है गरीब होने का भी डर बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पर्समिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इससे क्या होता है, कई पेशेंट होते हैं उनको प्रॉफिट कितने का भी हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी लॉटरी लग गई। ठीक है, लॉटरी लगने के बाद मान लीजिए कि उसका एक करोड़ का लॉटरी लग गया, तो उसको मतलब जो कि इस बात की खुशी नहीं है कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसको इस बात का दुख रहेगा कि अरे यार इसके लिए तो हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना पैसा हमारा टैक्स में निकल जाएगा, और जो है उसके और यहाँ पे जो है मतलब वो हर चीज़ में जो है नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं, ये हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं। लॉटरी फ्री की लगी है, लॉटरी लग गई है उसकी खुशी नहीं है, लेकिन उसके पीछे उनको कितना टैक्स देना है वो चीज़ का उनको जो है दुख रहता है एक तरीके से। और गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें होता है कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं कहते हैं कि वो मतलब सोचते हैं जो है कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो चीज़ उनके साथ हो भी जाता है। ठीक है, कई पेशेंट बोलते हैं सर मेरे साथ मतलब जो है कई पेशेंट होते हैं आपस बात करते रहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और ये चीज़ एग्जैक्टली हो भी जाता है उनके साथ कि जो चीज़ सोचते रहते हैं गलत होने वाला है वो उनके साथ वो चीज़ जो है हो भी जाता है। ठीक है, इनकी मेंटल है। और अगर बात करें जो है तो अगले पॉइंट की बात है जो है कि इसे ये सोचते हैं जो है कि आज मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, और जो है कुछ पेशेंट होते हैं कि वो फील करते हैं कि आज इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है और फिर कहते हैं कि आज मैं इतना एनर्जेटिक हूँ। ठीक है, तो पक्का मैं कल बीमार हो जाऊँगा। इस टाइप की उनकी वो होती है कि आज मतलब जिस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं तो उनको एहसास होने लगता है कि अगले ही क्षण वो जो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ऐसा है कि इसमें जो है कि उनको लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और उनको इस चीज़ का जो है उनको एहसास होने लगता है कि अगले ही क्षण जो है बीमार पड़ने वाले हैं। तो ये इनकी मेंटल सिम्टम्स हो गया। और अगर अगले पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोराइनम एक चिली पेशेंट है। इन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। और फिर अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें जो होता है कि इसमें इनके जो डिस्चार्जेज होते हैं उसमें ऑफेंसिवनेस रहता है। ठीक है, फेटिड मतलब जो है इनके जो डिस्चार्जेज होते हैं जो है उसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक। फिर अगला पॉइंट की बात करें तो इनकी जो इचिंग होती है, शरीर में खुजली होती है, वो आर्सेनिक की तरह जो है वाम से एग्रावेशन है, वाम से एग्रावेशन है। और इनकी जो इचिंग की एक जो क्वालिटी और है कि इनकी जो इचिंग होती है, जनरली जब ये रात में सोने जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो इनकी इचिंग स्टार्ट हो जाती है रस्टॉक्स की तरह। और ये किसकी तरह है? आर्सेनिक एल्बम की तरह। इनकी जो इचिंग होती है, इचिंग में जो है कोल्ड से इनको एमलोरेशन आराम मिलता है, ठीक है। ठंडे प्लेस पे आने पे इनको जो है, या ठंडी चीज़ों से जो है एप्लीकेशन या फिर जो ठंडे से धुलाई करने पे इनको रिलीफ मिलता है। अगले पॉइंट की बात करें इनकी स्लीप पोजीशन के बारे में। स्लीप पोजीशन की बात करें तो जैसे जीसस का पोस्चर होता है, जैसे कि ये जब बेड पे सोते हैं तो बिल्कुल एकदम पूरा जो है फैल के सोते हैं, ठीक है। हाथ पैर पूरा जो है एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है। और जो पूरा हाथ पैर फैला के पूरा जो है उतान हो के सोते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो आप इसको किस में दे सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम्स में आप इसको दे सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को इरप्शन हो रहे हैं, शरीर में दाने निकल रहे हैं और उसमें इचिंग हो रही है, और इचिंग जो है वार्म से ग्रेविशन है, गर्मी से बढ़ रहा है, इसमें दे सकते हैं। या फिर इनमें जो है ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ऑफेंसिव किस किस चीज़ में ऑफेंसिवनेस रहेगा? स्टूल में जो बदबू आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। परस्पायरेशन होगा, ठीक है। परस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा बदबू आती है इनके। कोई भी बॉडी का डिस्चार्ज है, इसमें जो है ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है, बदबू जो है बहुत ज़्यादा रहती है। और आप इसको किस चीज़ में दे सकते हैं? किसी को क्रोनिक ओटोरिया मतलब जो है कि कान का, किसी का जो कान बह रहा है, किसी का अगर किसी का जो है लंबे टाइम से कान बह रहा है, तो सुराने उसकी एक बहुत ही अच्छी दवा है। और आप इसको किस में दे सकते हैं? अस्थमा। कोई अस्थमेटिक पेशेंट है उसको लेटने से आराम मिल रहा है तो उसमें आप सुराने दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।